फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टाइम विद सारा खान। मैं सारा आज आपको चिकन की एक डिश जिसे चिकन 65 कहते हैं वो सिखाऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। सो फ्रेंड लेट्स स्टार्ट नाउ। सो फ्रेंड आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ, पर उससे पहले ये बता दूँ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे हमेशा की तरह लाइक करना ना भूलें। सो फ्रेंड लेट्स स्टार्ट नाउ। सो फ्रेंड हमें चाहिए 200 ग्राम चिकन, बोन्सलेस चिकन मैंने लिए हैं, आप भी इसी तरह से लें और इस तरह के स्मॉल पीसेस कर लें। रिफाइंड ऑयल, स्प्रिंग अनियंस एंड टमाटो केचप, अगर आपके पास रेड चिली सॉस हो तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। कश्मीरी रेड चिली पाउडर एंड टर्मेरिक पाउडर हाफ टेबल स्पून एंड ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टेबल स्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड मैं यहाँ पे राइस फ्लावर चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ, और लेमन जूस है 1 टेबल स्पून लेमन जूस यूज़ करें एंड मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 एग, स्प्लिट ग्रीन चिली है एंड इस तरह से आप भी करें लंबे लंबे। और मैं यहाँ पे गार्लिक मैंने जो चॉप्ड कर लिया है, मैंने एटलीस्ट 15 to 16 गार्लिक चॉप्ड कर लिए फाइनली। सो फ्रेंड मैं आप चिकन को मैरिनेट करूँगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड अभी मैं यहीं पे सारी चीज़ों को मैरिनेट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून लिया था राइस फ्लावर, और अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं इसकी जगह पे। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर 2 टेबल स्पून, इस तरह से भर कर लें, और रेड चिली पाउडर अपने यहीं पर मिक्स करना है, पिंच ऑफ टर्मेरिक पाउडर यहीं पर मिक्स करें, ब्लैक पेपर पाउडर यहीं पर मिक्स करें, सॉल्ट भी यहीं पर और मिक्स करें यहाँ पे अपनी इस तरह से। यहाँ पे आप मिक्स करते जाएं इसी तरह से, अच्छे से मिक्स कर लें। फिर आपने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यहीं पे ऐड करना है 1 टेबल स्पून, मिक्स कर लें और अच्छे से मिक्स करना है आपने। इस तरह से आप भी सब यहीं पे मिक्स कर लें अच्छी तरह से। आपने लेमन जूस भी यहीं पे ऐड करना है, 1/2 टेबल स्पून आपने यहाँ पे लेमन जूस ऐड करना है। हाफ टेबल स्पून जो बचा रखा है मैंने वो मैं बाद में यूज़ करूँगी, तो आप भी इसी तरह से करें। और एक और बात मेरी ये ध्यान से आप सुन लें, अगर आपके पास ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा हो और कॉर्नफ्लावर हो तो आप दोनों मिक्स करके बना सकती हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप राइस फ्लावर यूज़ कर सकती हैं, अगर राइस फ्लावर ना हो तो आप कॉर्नफ्लावर यूज़ कर सकती हैं, पर ये दो चीज़ें इसमें कंपलसरी है बिकॉज इसमें ये कुरकुरापन होता है रेस्टोरेंट स्टाइल अगर आपने खाना है तो। और एक और बात, अगर आप रेस्टोरेंट में जाएं तो आपने 500-600 पे करना पड़ता है एक चिकन 65 खाने के लिए, बट आप घर पे बहुत ही कम कॉस्ट पे बेस्ट चिकन 65 खा सकती हैं, और बहुत ही चीपेस्ट रेस्ट में और हेल्दी भी खुद के बनाए हुए घर पे। सो फ्रेंड आप इसे बनाएं, एंजॉय करें, और नीचे कमेंटमेंट में आप मुझे कमेंट कर सकती हैं कि कैसा लगा। सो फ्रेंड आपने इसे हाफ एन आवर के लिए एटलीस्ट छोड़ देना है, लेफ्ट करना है, ताकि इसमें जो चिकन की ये कोटिंग अच्छे से हो जाए, ये मैरिनेशन पूरा अच्छे से हो जाए जिसमें ये सारा टेस्ट इसमें आ जाए। सो फ्रेंड मैं आपको हाफ एन आवर दिखा रही हूँ बाद कि करना क्या है। सो फ्रेंड मेरी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो चुकी है, मैंने इसे रेस्ट करने छोड़ दिया था। अब आपने यहाँ पे एग डालना है, बिकॉज अगर आप पहले एग डाल देंगे तो इसमें मसालों की कोटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी और चिकन के अंदर सारे मसाले अच्छे से नहीं जा पाएंगे, तो अब मैं यहाँ पे एग यूज़ करूँगी। एग डालने के आपने बीच में इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। सो फ्रेंड इसे अच्छे से मिक्स करके आपने फिर से 10 मिनट छोड़ देना है, इस तरह से इसे रेस्ट करने दें। और मैं यहाँ पे एक पैन हीट करने चढ़ा रही हूँ, यहाँ पे ऑयल डालें इस तरह से, आपने यहाँ पे थोड़ा खुला ऑयल डालना है क्योंकि हमें ये फ्राई करना है। अब ऑयल हीट हो जाने के बाद दिखा देती हूँ क्या करना है। सो फ्रेंड ऑयल मेरी हीट हो चुकी है, इस तरह से आप ऑयल चेक कर लें कि अगर वो आ रही है तो, और आपने वहाँ पूरी तरह से ऑयल हीट हो जाए तभी आपने चिकन ऐड करना है, ये ज़रूर ध्यान दें। इस तरह से आप फिर यहाँ पे सारी चिकन डालती जाए, और आपने आप यहाँ पे फ्लेम स्लो कर देना है, बिकॉज अगर फ्लेम स्लो करेंगी तो ये थोड़ी सी अंदर से पक जाएगी, ये ज़रूर ख्याल करें। इस तरह से आपके सारे इसी में अट जाएगी, और आपने थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे यहाँ पे इसे बनाना है 15 से 10 मिनट के बीच में बना रहे हैं। सो फ्रेंड आपने यहीं पे बीच में से चेक करते जाना है इस तरह से, और टर्न करते जाए अगर आप चाहें तो किसी पोके में रख
टर्न करते हैं और आपने स्लो फ्लेम में ही बनाना है, ये ध्यान रखें। तो फ्रेंड आप बीच बीच में इसमें चेक करते रहे, आप कुक को इस तरह से प्रेस करें और ये अगर इस पर आ जाए तो आप देख ये समझ लेना है कि ये कुक हो चुकी है, बट आपने थोड़ा और इसे फ्राई करते रहना है। और ये एक चिकन 65 है, ये एक स्टार्टर है, अपने गेस्ट को आप स्टार्टर के तौर पे इसे पेश करें और आप चाहे तो शाम को भी इवनिंग में आप इसे खा सकते हैं। सो फ्रेंड आपने इसे तेज आंच पे फिर लास्ट में लाल कर लेना है, इस तरह से आपने पूरे तरह से इसे गोल्डन फ्राई कर लेना है, ये ध्यान रखिए। आपने अभी इतना करना है, अभी ऑलमोस्ट हो चुकी है, अब मैं यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब मैं इसे सारे को निकाल लेती हूँ एक डिश में। सो फ्रेंड्स सारे फ्राइज मैंने यहाँ पे निकाल लिए, अब मैं यहाँ पे एक और पैन चढ़ा रखा है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा खुला ऑयल डालूंगी, थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे आपने डालना है, ज़्यादा नहीं। और ये पैन यहाँ पे हीट रखनी है और ऑयल हीट हो जाए तो आपने यहाँ पे गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक ऐड कर देना है। यहाँ पे गार्लिक ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे स्लिट चिली ऐड कर देना है। सो फ्रेंड यहाँ फ्लेम अभी आपने यहाँ पे स्लो कर देनी है, इस तरह से आप भी स्लो कर दें। अब मैं यहाँ पे हाफ टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, आपने यहाँ पे टमाटो केचप बड़े चम्मच से डाल देना है, मिक्स कर देना है, आपने यहीं से मिक्स करें और फ्लेम याद रखिए आपने स्लो रखनी है। और स्टिरर बेल आपने इसे चलाते रहना है और आपने यहाँ पे स्प्रिंग अनियन थोड़ी सी डाल देनी है और मिक्स कर लेना है इस तरह से आपने, और फ्लेम यहाँ पे स्लो ही रखना है ये याद रखें। और अब मैं यहाँ पे ये थोड़ी सी अगर आपकी भुन गया जाए तो ये थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए आपने, तो आपने यहाँ पे 1 टेबल स्पून वाटर ऐड कर देना है, सिर्फ 1 टेबल स्पून याद रखें, ज़्यादा नहीं। और मिक्स इट वेल एंड आपने वहाँ पे जो लेफ्ट हमारी लेमन जूस थी ये यहाँ पे ऐड कर दूँगी और ये ऑलमोस्ट मेरी भुन चुकी है। सो फ्रेंड फ्लेम स्लो है, अब मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ सारे हमारे चिकन फ्राई और मिक्स कर लिया आपने यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे सारे मिक्स कर लिया आपने, यहाँ पे मिक्स कर लिया। सो फ्रेंड ये आपने हो चुकी है, आप यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेम फुल कर दें और यहाँ पे थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन और ऐड कर दें एज अ सर्विंग के लिए। अब मैं इसे प्लेटिंग करूँगी, आपको प्लेटिंग करके मैं दिखा देती हूँ। आपने यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट के लिए रखना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं, बिकॉज हम चिली नहीं बना रहे हैं। सो फ्रेंड माई चिकन 65 इज रेडी, देख सकते हैं कितना यमी और डिलीशियस लग रहा है। मैंने इसे इस तरह से प्लेटिंग किया, आप भी इसे इस तरह से करें एंड आप अपने फ्रेंड को एज अ स्टार्टर ये सर्व करें और इन्जॉय करें और इसे खाएं। अगर आपको ये मेरी डिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमेशा की तरह इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।